चिंतपूर्णी प्रोडक्शन द्वारा पहाड़ी फिल्म नैना का निर्माण किया जा रहा है। प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर शुभम शर्मा, डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा और गायक सुनील सूफी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके प्रोडक्शन द्वारा पहाड़ी फिल्म नैना का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा 17 जनवरी को प्रोडक्शन का पहली वर्षगांठ पर की जाएगी। इसमें मुख्य कलाकारों में हिमाचली युवा नजर आएंगे। चिंतपूर्णी प्रोडक्शन द्वारा पहाड़ी फिल्म नैना का निर्माण किया जा रहा है। प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर शुभम शर्मा, डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा और गायक सुनील सूफी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके प्रोडक्शन द्वारा पहाड़ी फिल्म नैना का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा 17 फरवरी को प्रोडक्शन की पहली वर्षगांठ पर की जाएगी। ये फिल्म पहाड़ी में होगी तथा हॉरर थ्रिलर होगी। इसमें मुख्य कलाकारों में हिमाचली युवा नजर आएंगे। कलाकारों का चयन ऑडिशन के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी रणनीति तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी फिल्म के साथ प्रोडक्शन का क्लासिक संगीत की और भी कदम बढ़ाने की योजना है, जिस पर काम किया जा रहा है तथा जल्द ही चिंतपूर्णी प्रोडक्शन क्लासिक ट्रैक के साथ मार्केट में होगा। चिंतपूर्णी प्रोडक्शन के डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा ने कहा कि उनका प्रोडक्शन हाउस पहाड़ी फिल्म नैना बनाने जा रहा है, जिसकी घोषणा 17 फरवरी को की जाएगी। अब तक प्रोडक्शन के 22 के लगभग ट्रैक मार्केट में आ चुके हैं। प्रोडक्शन द्वारा पहाड़ी पंजाबी गीत और भजन बनाए गए हैं तथा हाल ही में कवाली भी मार्केट में उतारी गई है। पिछले साल जनवरी के महीने में जैसे हमने कोई ट्रैक किया था भजन, तो जब वो कंप्लीट हो गया, वीडियो शूट हो गया अपने गाना रिलीज करने के लिए, उसके बाद और कंपनी से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको मतलब एड देने पड़ेगी। पहले वो नाटियाँ हैं और दो भजन हैं और जैसे ब्रजेश जी बता रहे थे कि गाने को छोड़कर अभी हम फिल्म 17 को हमारी 1 ईयर की सेलिब्रेशन है चिंतपूर्णी प्रोडक्शन की, और उसके बाद साथ में हम मूवी पे फोकस करेंगे। 17 जनवरी को हमारा जो एक अपकमिंग एल्बम क्लासिकल एक सॉन्ग हम मूवी करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है नैना। बाकी ब्रजेश जी आपको मूवी के बारे में, इसके अलावा हम जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है हमारी हिंदी या सूफीज़म हो या कैसे ही आगे भी पढ़ती रहेगी, तो आगे हमारे प्रोड्यूसर साहब शुभम जी भी कुछ बताएंगे। हम अपना एक स्टूडियो लगा रहे हैं यहाँ, जहाँ नॉट इवन उसका वीडियो शूट करेंगे और एक उसका एडिटिंग टेबल भी हम यहीं